तो अभी मैंने ये पेड़ से ये तोड़ा है, और सुबह में एक हस्बैंड ने तोड़ा था तो वो पीला वाला था पका हुआ, और ये थोड़ी आज कच्चा, जैसे ये अच्छी लगती है खाने में मुझे, नमक मिर्ची डाल के खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इससे भी बड़ी बड़ी है वो साइड में, लेकिन दूसरी साइड में जा नहीं पाती हूँ, वो लटक के कैसे कैसे करके हस्बैंड नहीं तो बेटा वही जाते हैं, मैं तो कभी नहीं जाती हूँ, गिर जाने से तो पूरा नीचे ही चली जाऊंगी, सिटिंग रूम का आगे चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं जाती हूँ, पहले पहले जाती थी, अभी तो नहीं जाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं, और भगवान करे सभी ठीक ही होंगे। तो आज एक नई दिन शुरू हो चुकी है, और आज है सैटरडे, तो बहुत दिनों से लॉकडाउन से तो सैटरडे की बाजार, सब्जी बाजार जो है वो तो कभी बैठती ही नहीं है, फ्राइडे में ही होती है, तो मैंने उतनी बाजार उजार नहीं किया। अब नेक्स्ट फ्राइडे से या सैटरडे से उस टाइम करूंगी, क्योंकि बेटा बोल रहा था मंडे से दुकानें सब खुली हुई होगी, पहले जैसे नॉर्मल था वैसे ही अभी होगा, शायद हो सकता है, हस्बैंड तो बोल रहे थे नहीं, और बेटा बोल रहा है अब पता नहीं, देखते हैं क्या होगा मंडे में। तो अभी मैं खाना बनाती हूँ, और आज खाने में मैं बनाऊंगी भुना खिचड़ी, तो आज भुना खिचड़ी बनाऊंगी, चावल तो बनाना ही है, थोड़ी सी चावल भी बनाना है, भुना खिचड़ी भी बनाना है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इसको मैं काट के, इसको पहले साफ करूंगी, उसके बाद काटूंगी और खा खा के काम करूंगी, अच्छा लगता है ना ऐसे पत्ता के साथ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए तो आप भी लीजिए, इसमें मैंने डाला है काली नमक और मिर्ची, टेस्टी है। तो पहले भुना खिचड़ी बनाने से पहले दाल को मैं फ्राई कर लूंगी, और आज मैं दाल को फ्राई करके बनाऊंगी, और नहीं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आज थोड़ा फ्राई करके बनाती हूँ। फ्राई करके बनाने से भी अच्छा लगता है, और बिना फ्राई का भी बनती है, और फ्राई से तो थोड़ी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ डालूंगी, पहले ज्यादा नहीं बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने दो कटोरी डाल लिया है, और यहाँ मैंने दो कटोरी दाल लिया है, अब यहाँ डाल दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। और दाल यहाँ लाल लाल होके फ्राई हो चुकी है, तो इसे मैं ऑफ कर देती हूँ गैस को, इसको ऑफ करके इसको निकालती हूँ। और यहाँ मैं बादाम को फ्राई करूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। Thank you.
तो अभी मैं इसे निकालती हूँ। और यहाँ दाल, फ्राई किया हुआ दाल, अब इसे मैं पानी में भिगो के रख दूंगी। पानी में भिगो के रख देने से थोड़ी जल्दी बनेगी। इसे ऐसे रख देती हूँ और वहां मैंने बादाम को रख दिया है। आप देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊंगी। तो आज सब्जी में मैं बनाऊंगी और आज मैं सब्जी में बनाऊंगी भिंडी फ्राई, भिंडी और आलू फ्राई। नया वाला चॉपिंग प्लेट है उसको मैं नहीं चलाती हूँ, इसी को मुझे अच्छा लगता है, खरीदा है लेकिन उसी को रख देती हूँ, तो चलाती ही नहीं हूँ। पटल तो मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही खाते हैं और किसी को पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे काटूंगी। तो यहाँ इसकी दो कटोरी दाल है और ये मैंने नॉर्मल चावल ही लिया है जो हम हमेशा खाते हैं। तो यहाँ डालूंगी दो कटोरी चावल बराबर, दो कटोरी चावल। ये रख देती हूँ। अब इसे हमें धोना है। यहाँ बनाऊंगी मैं, तो यहाँ बनाती हूँ। लौंग इलायची भी खत्म हो चुकी है, दुकान में है याद ही नहीं रहती, थोड़ी भी याद नहीं रहती। डालूंगी अभी तेल,
इलायची, अब इलायची लौंग और दालचीनी को कूटूंगी। अब यहाँ डाल दूंगी कूटी हुई इलायची लौंग और इलायची लौंग और दालचीनी को। अब यहाँ डालूंगी सूखी मिर्च, गैस को थोड़ी छोटी कर देती हूँ। अब यहाँ डालूंगी तेज पत्ता, अब यहाँ डाल दूंगी चावल। अब इसे हमें अच्छा से फ्राई करनी है। तो ये साइड में गरम पानी चढ़ा दूंगी। अब यहाँ डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि हस्बैंड को मिर्ची पसंद ही नहीं है, जीरा पाउडर, और डालूंगी सब्जी की मसाला, सब्जी मसाला। इसे फ्राई करनी है। थोड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ, पता नहीं चलेगा, थोड़ी सी ज्यादा नहीं डालूंगी। अब इसमें थोड़ी देर में अदरक डालूंगी। ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरी खिचड़ी की पानी सूख गई है। अब यहाँ डालूंगी ये मूंगफली को, थोड़ी सी किशमिश, ज्यादा नहीं। तो किशमिश मुझे अच्छी ही लगती है लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं,
थोड़ी मीठी होती है तो उनको मीठा पसंद नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ चावल बनकर रेडी हो चुकी है, आप भी देख सकते हैं। दाल भी रेडी हो चुकी है, चावल भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ भी डाल दूंगी थोड़ी सी घी। घी डाल देती हूँ। अब इसे मैं ऑफ कर देती हूँ। ले जाऊंगी। और बाहर आज बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है, आप भी देख सकते हैं बहुत ही जोर से बारिश हो रही है। तो बारिश में खिचड़ी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम खाना खाएंगे और आज थोड़ी जल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेकफास्ट हमने अच्छा नहीं किया था, तो इसलिए अभी हम खाना खाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या बनाया है। और यहाँ खिचड़ी में मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी पीस करके काट के कोकोनट डाला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। यहाँ पे कोकोनट, छोटी छोटी कोकोनट, वो भी ड्राई कोकोनट को काट के डाल दिया था। और आज का हमारा दोपहर का लंच है, तो आपको तो पता ही है क्या क्या है। तो यहाँ है भिंडी फ्राई, स्क्वाश फ्राई, परवल फ्राई, पापड़ और भुना खिचड़ी। और अभी मैं एक एक नींबू डालती हूँ। तो आज का लंच इतना ही है, तो अभी हम खाना खाते हैं। तो कच्ची नींबू है नहीं, ये वाली डाल देती हूँ, रस मिठाई। तो अभी हम खाना खाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। पानी बनना है इसको फिर। अस्त मेरे बनाने चुमाने का तबरे पानी वाला बन दूँगा तो। करे करे पानी वाला मक्खन। पानी को झन राम।